प्रधानमंत्री जी, आप चुप क्यों हैं? आप कहाँ छुप गए हैं? आप बाहर आइए। अरे आपके कलेजे में कांग्रेसियों दम नहीं है तो हमारे सेना के जवानों का एक बार खुला हाथ छोड़ दो, देखो वह कैसा करिश्मा कर दिखाते। कभी कभी मन करता है कि केंद्र में बैठी सरकार को अपनी ये चूड़ियां भेंट कर दूं और कहूं कि तुम पहन के देखो जरा। ये सरकार पर सवाल नहीं होता है, ये सेना पर ही सवाल होता है, क्योंकि पेट्रोलिंग की ड्यूटी सरकार की नहीं होती है, सेना की होती है। मोदी जी ने जितना इस देश का नुकसान किया है उससे दो गुना ज्यादा नुकसान आप जैसे गोदी मीडिया ने इस देश का किया है। पिछले कुछ समय से भारत और चाइना के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई थी और ये अभी भी जारी है। हाल ही की खबरों के मुताबिक भारत के 20 जवान गलवान घाटी में कल शहीद हो गए। राहुल गांधी ने भारत चाइना में झड़प के बाद पीएम को सामने आने के लिए कहा है। दो दिन पहले हिंदुस्तान के 20 सैनिक शहीद हुए, उनको उनके परिवारों से छीना गया। चाइना ने हिंदुस्तान की जमीन छीनी है, हमारी जमीन हड़पी है। प्रधानमंत्री जी, आप चुप क्यों हैं? आप कहां छुप गए हैं? आप बाहर आइए, पूरा देश, हम सब आपके साथ खड़े हैं, एक साथ खड़ा हुआ है आपके साथ देश। बाहर आइए, देश को सच्चाई बताइए, डरिए मत। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी देश की जनता के सामने आए और वीडियो के जरिए देश को भारत चाइना विवाद पर संबोधन किया। मोदी जी ने 19 जून को एक ऑल पार्टी मीटिंग भी बुलाई है। हमने हमेशा से ही अपने पड़ोसियों के साथ एक कोऑपरेटिव और फ्रेंडली तरीके से मिलकर काम किया है, हमेशा उनके विकास और कल्याण की कामना की है। जहां कहीं हमारे मतभेद भी रहे हैं, हमने हमेशा ही ये प्रयास किया है कि मतभेद विवाद न बने। हम कभी किसी को भी उकसाते नहीं है। मैं देश को भरोसा दिलाना चाहता हूं, हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, जरा भी भ्रम या संदेह नहीं होना चाहिए। भारत शांति चाहता है, लेकिन भारत उकसाने पर हर हाल में यथोचित जवाब देने में सक्षम है। विपक्ष का काम होता है कि सरकार से सवाल करना, जो पहले मोदी जी खुद भी किया करते थे, पर बीजेपी में अकेले मोदी जी नहीं थे जो भारतीय सेना को लेकर 2014 से पहले तब की सरकार पर आलोचना करते थे। पहले बताते हैं कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत चाइना विवाद को लेकर क्या कहा था। चीन हमारे देश की धरती में घुस आता है, महीनों तक जमे रहते हैं, उसका जवाब देने की हिम्मत नहीं है, हाथ पर हाथ धरे यह बैठे रहते हैं बहनों भाई। यह भारत के भी मान सम्मान स्वाभिमान की चिंता नहीं कर सकते भारत। मैं तो यह भी कहना चाहता हूं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, आपके यदि कलेजे में दम नहीं है, और उन लोगों को तो मैं जानता हूं, अरे आपके कलेजे में कांग्रेसियों दम नहीं है तो हमारे सेना के जवानों का एक बार खुला हाथ छोड़ दो, देखो वह कैसा करिश्मा कर दिखाते हैं। अब तो राजनाथ सिंह खुद ही रक्षा मंत्री हैं, तो वह सेना के हाथ क्यों नहीं खोलते? वह बार बार यही कह रहे हैं कि भारत चाइना के बीच बातचीत जारी है। इस समय भारत और चीन दोनों के बीच मिलिट्री लेवल पर भी बातचीत चल रही है और डिप्लोमेटिक बातचीत भी चल रही है। अभी 6 तारीख को जो बातचीत हुई है, बातचीत काफी पॉजिटिव रही है, काफी सकारात्मक रही है। भारत और चीन दोनों इस बात पर सहमत हुए हैं कि आगे भी सीमा विवाद को सुलझाने के लिए और इस समय का जो टसल है उसे सुलझाने के लिए यह बातचीत का सिलसिला हम लोगों का आगे चलेगा। लेकिन मैं समस्त देशवासियों को मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं, एक तो नेतृत्व हमारे भारत का एक सशक्त व्यक्ति के हाथों में है, नरेंद्र भाई मोदी के हाथों में। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं बहनों भाइयों, हम लोग किसी भी सूरत में भारत के सम्मान और स्वाभिमान पर चोट नहीं पहुंचने देंगे। समस्त देशवासियों को इस वर्चुअल रैली के माध्यम से मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं। रविशंकर प्रसाद जो कि कानून मंत्री हैं, वह भी 2014 से पहले बयानों के जरिए यही कहते दिखाई देते थे कि भारत चाइना को सख्ती से जवाब दे। वुड लाइक टू आस्क द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हाउ मेनी मोर इंडियन ब्रेव सोल्जर्स नीड टू बी सैक्रिफाइस, कितने और जवानों का बलिदान होगा। हमने बार बार ये कहा है कि इस मामले में सख्ती होनी चाहिए, तो
हम चाहेंगे भारत सरकार इसमें अपना सही एटीट्यूड बनाए। चाइना के द्वारा जबरदस्त साइबर हमला हो रहा है इंडिया के साइबर इंस्टॉलेशंस पर, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। भारत सरकार भारत की सुरक्षा के बारे में गंभीर दिखनी चाहिए और हमें इस बात की बहुत चिंता है कि जिस तरह से चीन का हस्तक्षेप अतिक्रमण भारत की सीमा में एक वीकली अफेयर बन गया है, इसको लेकर बहुत ही गंभीर चिंता। पर अब तो वो खुद केंद्रीय मंत्री हैं, अब वे पीएम मोदी को सख्ती करने के लिए क्यों नहीं कहते? और जब चाइना भारत विवाद पर विपक्ष सवाल करता है तो वे उनकी आलोचना कर रहे हैं। क्या रविशंकर प्रसाद की तब किसी ने आलोचना की थी जब वे सत्ता से सवाल किया करते थे? राहुल गांधी को इतनी तो समझदारी होनी चाहिए कि चीन के साथ सामरिक संबंधों पर ट्विटर से सवाल नहीं पूछा करते। कम से कम चुनौती भरे मामलों में, विदेश नीति में, क्या वो खुलकर इस तरह से सवाल पूछना उनका लाजिमी है क्या? हम देश भर के साथ सद्भाव और शांतिपूर्ण तरीके से रास्ता निकालते हैं और निकालेंगे। राहुल गांधी जी, कृपया कर करके आप थोड़ा सा इन चीजों को सीखिए। आप वही हैं जिन्होंने बालाकोट के हमले के बाद भी सबूत मांगा था। राहुल गांधी जी, आप वही हैं जिन्होंने उरी पर हमले पर भी सेना की शहीदों की शहादत का सबूत मांगा था, और आज चीन पर भी वही सवाल कर रहे हैं। राहुल गांधी थोड़ा समझें, वरना चीन की कहानी आएगी और कांग्रेस ने चीन के साथ किस तरह से चीजों को संभालने की कोशिश की थी तो बहुत चीजें निकलेंगी। कम से कम अभी देश में एकता रहे, बहुत जरूरी। इतना ही नहीं, केंद्रीय टेक्सटाइल्स मंत्री स्मृति ईरानी ने तब की मनमोहन सरकार को चूड़ियां भेंट करने को कहा था और उन्हें पहनने को भी कहा था। अक्सर मुझे लगता है कि ये चूड़ियां मैं मात्र सजावट के लिए पहनती हूँ। कभी कभी मन करता है कि केंद्र में बैठी सरकार को अपनी ये चूड़ियां भेंट कर दूं और कहूं कि तुम पहन के देखो जरा। वो इसलिए क्योंकि जब पाकिस्तान से 10 लड़कों ने आकर हम पर हमला किया तो पार्टी न सिर्फ तमाशा देख रही थी बल्कि पाकिस्तान के सामने हाथ फैला रही थी कि हमें न्याय दो भैया। अब वे इस मामले पर क्यों चुप हैं? क्या वे अब की सरकार को भी चूड़ियां भेंट करेंगी? चाइना की तरह भारत का नेपाल के साथ भी सीमा को लेकर विवाद चल रहा है। नेपाल ने अपना एक नक्शा जारी किया है जिसमें नेपाल द्वारा वो इलाका अपने नक्शे में शामिल किया गया है जिन इलाकों को भारत अपना बताता आया है। इस पर भी राजनाथ सिंह ने क्या प्रतिक्रिया दी, आप वह भी सुनिए। भारत और नेपाल के बीच का जो रिश्ता है यह कोई सामान्य रिश्ता नहीं है। भारत और नेपाल के बीच का रिश्ता तो मेरे बहनों भाइयों, यह रोटी और बेटी का हमारा यह रिश्ता है। दुनिया की कोई ताकत इस रिश्ते को तोड़ नहीं सकती है। यदि लिपू लेक से लेकर धारचूला तक यह रोड बनने के कारण यदि कोई गलतफहमी नेपाल के लोगों में यदि पैदा हुई है तो मैं समझता हूं कि उसका समाधान हम लोग मिल बैठ कर निकालेंगे। अब बात करते हैं हमारे महान मीडिया की। आपको ये बता दें कि चाइना की तरफ से अभी तक कोई नंबर की पुष्टि नहीं की गई है कि उनके कितने जवान शहीद हुए हैं, पर भारत में मीडिया की ओर से आंकड़े जारी कर दिए गए हैं जो कि सरासर झूठ हैं। इसके बारे में ऑल्ट न्यूज ने फैक्ट चेक भी किया। चाइना बेस्ड ग्लोबल टाइम्स एडिटर इन चीफ ने ट्वीट करके लिखा कि चाइनीज साइड डिडंट रिलीज नंबर ऑफ पीएलए कैजुअल्टीज इन क्लैश विद इंडियन सोल्जर्स। माय अंडरस्टैंडिंग इज द चाइनीज साइड डजंट वांट पीपल ऑफ द टू कंट्रीज टू कंपेयर द कैजुअल्टीज नंबर सो टू अवॉइड स्टोकिंग पब्लिक मूड। दिस इज गुडविल फ्रॉम बीजिंग। पर हमारे मीडिया में जैसे ही डीडी न्यूज पर खबर आई कि 43 जवान शहीद हुए हैं, उसके बाद सभी न्यूज एंकर उसी समय ही ट्वीट करने लगे कि चाइना के हमने 43 जवान मार गिराए हैं। मेनस्ट्रीम मीडिया हमेशा की तरह जवान की शहादत पर विपक्ष पर ही उंगली उठा रहा है और मोदी के बचाव में मीडिया खड़ा हो गया है। आज तक पर तो एक न्यूज रिपोर्ट में पत्रकार श्वेता सिंह ने चाइना की घुसपैठ का दोष सेना पर ही लगा दिया और कह दिया कि इसमें मोदी सरकार से सवाल ना किया जाए। दो तीन चीजें इसमें हैं कि सबसे पहले अगर आप पहले दिन से उन सवालों को हम उसका विश्लेषण करें रोहित, तो उसमें
ये सवाल उठाना कि चीनी सेना हमारे जमीन पर आ गई और हम सोते रहे, ये सरकार पर सवाल नहीं होता है, ये सेना पर ही सवाल होता है, क्योंकि पेट्रोलिंग की ड्यूटी सरकार की नहीं होती है, सेना की होती है। और हमारे देश में सेना की कोई इतनी आजादी है, हमारे अर्धसैनिक बलों को भी आजादी है कि वो जो पेट्रोलिंग ड्यूटी कर रहे हैं उसके लिए किसी पॉलिटिकल मास्टर से अपने कमांड नहीं लेते हैं। अगर आईटीबीपी के हटने के बाद वहां पर भारतीय सेना भी पहुंची और आप कहते हैं कि चीन ने हड़प ली हमारी जमीन, तो ये फिर सेना के ऊपर सवाल हो जाता है और इस समय ये एक बहुत संवेदनशील समय है। न्यूज 18 पर जवानों की शहादत को लेकर हुई डिबेट में एंकर अमीश द्वारा कांग्रेस पार्टी के नेता से सवाल पूछ रहे हैं कि आप देश की जनता को गुमराह क्यों कर रहे हैं कि गोलियां चली हैं, वहां पर कोई गोलियां नहीं चली। इस पर कांग्रेसी नेता भी अमीश पर पलटवार करते हैं, आइए आपको वो भी सुनाते हैं। वरिष्ठ नेता है अधीर रंजन चौधरी, उन्होंने बोला गोली चली है, उनको ये ज्ञान कहां से हुआ कि गोली चल गई है? ये सब आप ही लोग बताते हैं मीडिया वाले। मीडिया ने नहीं बताया, किसी मीडिया ने नहीं बताया कि गोली चली है, ना चाइना ने बोला गोली चली है, ना भारत ने बोला गोली चली है, सिर्फ ये अधीर रंजन चौधरी ने बोला गोली चली है, गोली से हमारे जवानों को मार दिया गया। आपने जैसे भी मरे हो, मरे तो है ना जी, गोली से अगर नहीं मरे हैं तो क्या मरना या शहीद होना, फिर वो शहीद नहीं माने जाएंगे? शहीद हुए, शहीद वही मैं कह रहा हूँ, यदि गोली से नहीं मरे हैं, नहीं शहीद हुए हैं, किसी और चीज से हुए हैं, तो क्या फिर आप उसे शहीद नहीं मानेंगे क्या? अखिलेश जी, मैंने तो आपसे पूछा जो आपके नेता ने बोला, मैंने तो आप तो उतने असहज हो गए, आप बोलिए कि वो ऐसा बोलते रहते हैं, हमारा कोई मतलब नहीं है। आप उनको नकार दीजिए, अक्सर आप लोग नकार देते हैं अपने नेताओं को कि नहीं हमारा मतलब नहीं है, उसका मतलब बयान है, बोल दीजिए आज भी, क्या फर्क पड़ता है? मोदी जी ने जितना इस देश का नुकसान किया है उससे दो गुना ज्यादा नुकसान आप जैसे गोदी मीडिया ने इस देश का किया है, दो गुना ज्यादा गोदी मीडिया ने इस देश का किया। सर आज ना नरेंद्र मोदी की बात है ना गोदी की बात है, आज देश की बात है, हम सब देश की गोदी में हैं। और हाँ बिल्कुल आपने सही कहा कि गोदी मीडिया ने नुकसान किया, लेकिन गोदी मीडिया वाले है कौन, सुनिए पहचानिए ना उनको, गोदी मीडिया वाले कौन है? पहचान रहा हूँ, सब लोग उन्हें पहचानिए, इसलिए मीडिया पर टिप्पणी ना करें, मीडिया पर टिप्पणी ना करें, मीडिया अपना काम कर रहा है, मीडिया अपना काम कर रहा है। आपसे अगर सवाल पूछे जाते हैं आसे है जो थे, तो इसमें मेरी कोई दिक्कत नहीं है सर, थोड़ा खामोश होंगे? नहीं मैं तो खामोश हो रहा हूँ, आप अपने नेता के बयान पर इतना नाराज हो गए, आप तो हमें बुरा भला कहने लगे, आप जो मैंने तो नहीं बोला ना ये, तब से आप ही अधीर जी ने बोला, ये अखिलेश जी तब से आप ही बोल रहे हैं। रिपब्लिक भारत पर पूछता है भारत शो में एंकर द्वारा विपक्ष पर ही उंगली उठाई जा रही है, ना कि सरकार से कोई कठिन सवाल पूछे जाएंगे। चीन को नए हिंदुस्तान की ताकत का अंदाजा लग गया होगा, और अगर नहीं लगा है तो देख लो चीन, लेकिन देश में बैठे चीन के जो चाटुकार हैं, जो पाकिस्तान के प्यादे हैं, वो आज भी भारत की ताकत पर सवाल कर रहे हैं, जिन पर ये देश अब विश्वास नहीं करेगा। वो लोग कह रहे हैं कि उन्हें देश की ताकत पर विश्वास नहीं है। मैं एक बात साफ कर दूं आज कि विपक्ष सरकार और सत्ता से सवाल करे, यही उनकी भूमिका है, लेकिन सवाल के लिए ये वक्त सही नहीं है, ये वक्त साथ खड़े होने का है, ये वक्त कंधे से कंधा मिलाकर हमारे सैनिकों के साथ खड़े होने का है, सियासत का नहीं है। इसीलिए ऐसे मौके पर भी सियासत करने वालों से आज पूछता हूं मैं, और पूछता है भारत। सवाल ये है कि अगर भारत और चाइना के बीच बातचीत जारी है तो एक दूसरे पर झड़प का माहौल कैसे बन गया? जो मुद्दे को सरकार शांति से सुलझाना चाहती थी वह हिंसक क्यों हो गई? कहां कमी आ रही है? सवाल पूछने की जरूरत है। हम उम्मीद करेंगे कि मीडिया इस पर सरकार से सवाल करेगा और सही स्थिति के बारे में भारत को बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब टुडे टीवी। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज़ प्लीज क्लिक द बेल आइकन।